आज मैं आपको 32 साइज कट स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। इस ब्लाउज में आपको शोल्डर कितना लेना है, आर्मोल कितना लेना है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। इसकी कटिंग हम पहले अस्तर पे करेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं। कपड़े को हम पहले दो लेयर में ऐसे फोल्ड करेंगे और कपड़े को हम चेस्ट के हिसाब से फोल्ड करेंगे। जैसे कि इसका चेस्ट 32 है तो उसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच, और 1 इंच बढ़ा के आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। ये ब्लाउज की लंबाई है। चलिए सबसे पहले हम लंबाई की नाप लगाएंगे। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है तो हम 14 इंच पे 1 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम 13 इंच हमारी फिट नाप है और 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे मार्जिन के लिए। ये 14 इंच पे हमने ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा लिया। अब इन निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। इसको भी हम पहले स्केल से ऐसे सीधा कर लेंगे। शोल्डर की नाप हम 5 इंच से लेंगे और इसकी आर्मोल की लंबाई भी हम 5 इंच लेंगे। 5 इंच पे हमने ऐसे निशान लगा लिया। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। 32 साइज के लिए आपको 5 इंच शोल्डर और 5 इंच आर्मोल लेना है। और इसकी गोलाई हमें कैसे देनी है, इसकी गोलाई के लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे जितना हमने इसकी लंबाई, जैसे कि इसकी लंबाई 5 इंच तो 2.5 इंच से हम इसकी ऐसे यहाँ से गोलाई देंगे। अब इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसका फिटिंग का निशान 8 इंच है और 1 इंच हम मार्जिन के लिए बढ़ा के रखेंगे। अब इन निशानों को हम ऐसे मिला लेंगे। गले का निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे और इसकी लंबाई हम 8 इंच लेंगे। अब इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। अब यहां से हम ऐसे गले की गोलाई दे देंगे और हमारा ब्लाउज पीछे की तरफ से हम इसको ओपन रखेंगे। यहाँ पे हमारे हुक आई की पट्टी लगेगी। इसकी प्लेट का निशान हम 3.5 इंच पे लगाएंगे। प्लेट की लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे। अब इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे और 1/2 इंच हम इधर लेते हुए और 1/2 इंच इधर लेते हुए हम यहाँ पे 1 इंच की प्लेट डालेंगे। प्लेट हमें ऐसे डालनी है। देखिए हमारे बैक पार्ट के निशान लग गए हैं। अब इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। अब ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा कपड़ा देखिए दो फोल्ड में ऐसे ही फोल्ड है। अब हम बैक पार्ट को ऐसे उठाएंगे, ऐसे हमें इसको रख लेना है। इसमें हम आगे का पार्ट बढ़ाकर नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें हम साइड वाली प्लेटें नहीं डालेंगे। इसमें हम सामने की दो प्लेटों वाला ब्लाउज बनाएंगे, इसलिए इसको हम बैक पार्ट के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। शोल्डर की नाप 5 इंच पे लगा लेंगे। अब हम इसको हटा देते हैं। शोल्डर की नाप हम 5 इंच से लेंगे और आर्मोल की लंबाई हम 5 इंच पे लगाएंगे। तो इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे 8 इंच पे और 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें भी हम 1.5 इंच से गोलाई का निशान लगाएंगे। और इसमें हमें यहाँ पे हम 1 इंच पे कटिंग करते थे वो हमें नहीं करनी है। कट स्लीव्स ब्लाउज में हमें आगे में आर्मोल 1/2 इंच डाउन नहीं करना है, हमें 1.5 इंच से निशान लगा के इसकी कटिंग करनी है। चलिए अब हम गले का निशान लगाते हैं। गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6 इंच लेंगे। अब इन निशानों को हम ऐसे मिला लेंगे।
अब गले में हम आगे डिजाइन का शेप देंगे, उसके लिए हम बकरम पे कटिंग करेंगे। आगे हम प्लेट का निशान आपको बता देते हैं। इसकी कमर 28 इंच है तो उसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 7 इंच पे हमने एक ही निशान लगाया। 3.5 इंच पे हम ये आगे की प्लेट डालेंगे। प्लेट की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। अब इसको स्केल से ऐसे सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, 1/2 इंच इधर लेते हुए हम इस प्लेट को ऐसे मिला लेंगे। देखिए हमारी बीच की प्लेट पड़ जाएगी। आगे की 2 प्लेटें हम ऐसे डालेंगे और साइड वाली प्लेटें नहीं डालेंगे। देखिए शोल्डर कटिंग करने के टाइम पर हमें यहाँ पे 1/2 इंच से कम ऐसे कटिंग करनी है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट गए हैं। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब हम ऐसे बैक पार्ट को ऐसे उठाएंगे और ऐसे रख के हम निशान लगा लेंगे। चलिए अब इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हम ऐसे रखेंगे, बस ऐसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब इसकी गले की कटिंग हम बकरम पे करेंगे। देखिए ये बकरम है। बकरम को हम ऐसे 2 लेयर में ऐसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और गले की लंबाई 6 इंच है। अब हम गले का ऐसे शेप दे देंगे इसमें। देखिए हमने गले का शेप दे दिया है। अब इसकी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। अब इसकी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। देखिए गले की कटिंग हमने कर ली है। अब इसको हम कपड़े पे रख के फोल्ड करेंगे। अब हम ऐसे कपड़े को रखेंगे। अब ऐसे ही हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए बकरम पे हमें गले के पैटर्न को ऐसे तैयार कर लेना है। फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सेंटर पे एक कट का निशान लगा लेंगे। अब इसको हम पहले ब्लाउज पे रखेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कपड़ा हम कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसमें हम पहले अस्तर लगाएंगे। इसको हम पहले सिलाई से अटैच करेंगे। देखिए हमने मेन फैब्रिक में अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम ब्लाउज को ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक हम कट का निशान लगा लेंगे। अब हम ऐसे गले को पैटर्न जो हमने तैयार किया है, गले का पैटर्न, इसको ऐसे रखना है सेंटर में और यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। और एक पिन हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। देखिए हमने ऐसे पिन लगा लिया है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो यहाँ से आप एक सिलाई लगा के पहले सेंटर में ऐसे इसको अटैच कर लीजिए, फिर आप इसकी साइड से सिलाई लगाइए। देखिए हमने गले का पैटर्न ब्लाउज में ऐसे अटैच कर दिया है। अब इसकी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे।
देखिए हमें फ्रंट पार्ट की प्लेटें डाल लिया है। अब इसकी हम कटिंग करके ये कपड़ा निकाल देते हैं। देखिए हमने इसका कपड़ा कट करके निकाल दिया है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे, इससे हमारे गले की पट्टी अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। देखिए हमें अच्छे से ऐसे पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। ये देखिए हमने प्लेटें भी इसमें डाल ली है। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। अब बैक पार्ट में हमें क्या करना है, इसको सही से ऐसे रख लेना है। अब ऐसे हमें इसको पिन से अटैच कर लेना है। अब हम ऐसे सिलाई लगा के ऐसे गले को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। देखिए गले में हम ऐसे एक चाप की सिलाई हम सीधी ऐसे लगा लेंगे। देखिए हमने गले में ऐसे सिलाई लगा ली है। अब हम ब्लाउज को ऐसे ही पलट लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे। देखिए हमारा गला अच्छे से पलट गया है। अब इसको हम यहाँ फोल्ड करेंगे। और यहां से हम कट कर लेंगे। देखिए हमारी अब ये दोनों पट्टियां कट गई है। अब हम वो काय की पट्टी लगाएंगे। ये देखिए इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। ये हमने इधर इधर हमें आई बनानी है और इधर ही हमने पट्टी अंदर की साइड पलट लिया है और इसमें हमने कच्ची सिलाई कर ली है। इसमें हम तुरपाई करेंगे और इसमें हुक लगाएंगे और ये हमने प्लेट डाल ली। और ये हमारा देखिए फ्रंट पार्ट ये तैयार हो गया है। अब हम इसको ऐसे रखें, यहाँ पे हम एक सिलाई चलाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे और इन पल्लों को हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए हमने इसकी कंधी ज्वाइंट कर लिया है और इधर देखिए हमने ये हुक आई की पट्टी हमने ज्वाइंट कर लिया है फिटिंग देने के लिए। बाद में इसको हम खोल देंगे और इस गले में तुरपाई लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे। अब हम आरमोल में पट्टी लगाने के लिए पट्टी कट करेंगे ऐसे। देखिए अब आरमोल की पट्टी हमें कैसे निकालनी है, ऐसे उठाना है हमें और ऐसे कपड़े को रखना है और इसको कपड़े को रख के ऐसे हाफ इंच सिलाई का छोड़ के बस हमको ऐसे रखना है और ऐसे निशान लगाते हुए ऐसे हमें पट्टी कट करनी है। अब हम आरमोल को ऐसे खोलेंगे। ऐसे हम पट्टी लगाएंगे। देखिए हमने पट्टी की सिलाई ऐसे लगा ली है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे। देखिए पट्टी को ऐसे हम फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर की साइड ऐसे आरमोल में हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने पट्टी को लगा के फोल्ड कर लिया है। अब यहां से हम ऐसे जो हमने मार्जिन लिया था ऐसे फिटिंग दे देंगे। देखिए हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। हमने साइड में भी सिलाई लगा ली है और हमने अंदर की साइड इसको फोल्ड भी कर दिया है।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।